ओके सर, थैंक सर, आइए। Look here, yeah. Okay, thanks, man. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. Take a minute, wait. Thank you. आराम से हो गए मैम। आइए मैम, यहाँ देखिए मैम। वेट ओके वेट वीडियो ये सर आई थोड़ा या हम थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ ओके मैम, थैंक्स मैम। हाँ ये हाँ और थोड़ा बस बस सर बस सर ओके सर ओके सर। ये फिल्म देखने के लिए तेलुगु में अच्छा कर चुकी है ऑलरेडी, और अब हिंदी डब वर्जन में रिलीज हो रही होगी थिएटर में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे कि आप काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं भी तेलुगु फिल्म्स करती हूँ, तो एक तेलुगु फिल्म का इतना अच्छा सक्सेसफुल रिपोर्ट के बाद उसे हिंदी में डब करके यहाँ लाना, इट इज़ अ बिग डील एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ विश्वाक एंड द होल टीम, क्योंकि बहुत मेहनत की है सबने एंड आई नो देम पर्सनली एंड आई हैव सीन देम वर्क वेरी हार्ड, सो या वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड बी एबल टू सपोर्ट देम, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब आप दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए कहीं किसी स्क्रीनिंग पर या प्रीमियर पर जाते हो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। साउथ का सिनेमा यहाँ पर अच्छा कर रहा है, और तो एज एन एक्टर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब जो है हर रीजनल सिनेमा में भी काम करना चाहिए एज एन एक्टर। 100% एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैंने तेलुगु फिल्म से अपनी शुरुआत की एंड आई थिंक उसी की वजह से मुझे एज एन एक्टर वो कॉन्फिडेंस मिला कि नाउ आई कैन ऑल्सो डू हिंदी फिल्म एंड विच इज़ वाई 1920 इज़ हैपनिंग। सो आई थिंक या वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलता है कि रीजनल फिल्म्स भी लोग देखते हैं, अब तो आई मीन देर इज बियॉन्ड कॉम्पिटिशन मैं कहूँगी, क्योंकि अब तो तेलुगु सिनेमा स्पेसिफिकली इज डूइंग सो वेल एंड इट्स मेकिंग अ कंट्री प्राउड। ऑल्सो RRR प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबडी दैट वॉचेज तेलुगु सिनेमा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे बात करते वक्त कहता है कि मैं इस डायरेक्टर को पसंद करता हूँ या इस राइटर को पसंद करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें तेलुगु सिनेमा में क्या हो रहा है उसकी खबर है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग डील एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड आई कैन वेरी प्राउडली से आफ्टर डूइंग मोर देन 15-16 फिल्म दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। अबिका के लिए क्या नेक्स्ट होने वाला है? बहुत कुछ, देर इज़ अ लॉट हैपनिंग ऑनेस्टली। 1920 इज ऑन इट्स वे वेरी सून एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसी बात की है, बट आई कैन नॉट फॉरगेट कि जो मैंने तेलुगु फिल्म में काम किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, प्रोडक्शन की बातें बहुत सारी हो रही हैं, तो लेट्स सी। वेट भी लूज़ किया है आपने, काफ़ी वेट आई मीन इट वॉज इम्पॉर्टेंट आफ्टर डूइंग सच गुड वर्क, मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों के लिए खुद का तो ख्याल रख ही सकती हूँ मैं एंड इट वॉज मेनली अबाउट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉज बिकॉज आई वॉज जस्ट बींग लेजी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो करना पड़ा थोड़ा मैं
रहना दैट आई थिंक रिजल्ट्स दिखते हैं सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे प्रोफेशनली मैं जो फिल्म्स करती हूँ उनमें भी मुझे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच होना शुरू हो गए हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट और लुकिंग थिनर आई थिंक स्किन लुक्स बेटर एवरीथिंग लुक्स बेटर व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड व्हेन यू आर हैप्पी बाद में कई पिक्चर आने वाला है मगर डे विल बी स्पेशल डे एज इट इज़ माई फर्स्ट रिलीज जो मैं अकेले प्रोड्यूस डायरेक्ट एक्ट करके इतने दूर आया सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट अलोंग विद ऑडियंस सो यू गाइस आल्सो वॉच इन थिएटर्स जैसे आपने कहा कि हिंदी डब वर्जन में भी अब रिलीज होने का कॉन्फिडेंस है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आपको लगता है कि एज अ फिल्म मेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब फिल्में एक्सेप्ट होती है जैसे आरआर फिर बात करें बाहुबली और जितनी भी फिल्में पुष्पा ऑब्वियसली बढ़ता है क्योंकि मेरे को भी अभी साइमल्टेनियस रिलीज एक ही बार हर एक लैंग्वेज रिलीज होता तो ज़्यादा टेंशन होता था मगर तेलुगु में ऑलरेडी रिलीज हो गया वहाँ ऑडियंस एक्सेप्ट कर चुका है तो थोड़ा इसलिए वो स्ट्रेस फ्री हो गया अभी आज ही तेलुगु हिंदी सब लैंग्वेज तेलुगु रिलीज से पहले दिन तो मेरा शो भी नहीं पाया एक दिन पूरा एक रात पूरा मगर अभी उधर एक्सेप्ट कर दिया लोग और बॉक्स ऑफिस भी अच्छा कर दिया अभी दो हफ्ते भी हो गया तो कूल डाउन हो गया सो नॉट वरीड सो जस्ट क्यूरियस लाइक हाउ पीपल आर गोइंग टू टेक लास्ट कदम के थिएटर्स फ्रॉम टुमारो वॉच थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ये हिंदी डब वर्जन हाउ मच यू एक्साइटेड टू सी द फिल्म हाउ मच यू एक्साइटेड टू सी द रिस्पांस I am extremely excited because we got a blockbuster response in Telugu, so I am very excited to know how Hindi audience also feels about our film. I'm confident. So as an actor, like if you talk about confidence, there are so many films who are doing well like RRR right. and Bahubali. So as an actor, you are confident about that film will accept? Like RRR? Audience will accept the film. Yeah, if the content is good, because audiences are very smart now. If we give them good content, they will definitely show us their love. And that's what they did in Telugu, because the first day it was the highest collection for Vishwas film. So I'm assuming they'll show some love here as well. Okay, anything you'd like to say? Please do watch Tumki in theaters. I'm excited to know what you guys think about the film. It'll really help us. If you like it, you criticize, whatever it is, it'll really help us. It's all welcome and Thank you so much and all the best. I'm nervous. आज फाइनली हिंदी वर्जन लोग देखने वाले हैं फिल्म का कितनी एक्साइटेड है I'm very excited. I don't think I'm nervous. I'm very excited. I'm so glad that it's releasing in Hindi. I've seen the Telugu version, but it's good to see it in my city. So I'm totally looking forward to it. And I can't wait for everyone to see it. कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के अंदर और अगर उस बारे में कुछ बताएं सो लाइक आई सेड आई फील वेरी सरियल मुझे एक्चुअली इट वॉज वेरी आउट ऑफ द ब्लू लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट टू डू अ फिल्म सो सून इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर सो आई फील रियली लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू यू नो सो आई एम वेरी लाइक हैप्पी एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट लाइक आई सेड आई मेट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स सीनियर आर्टिस्ट आई गॉट सो मच टू लर्न सिंस इट्स माई फर्स्ट फिल्म सो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एज एन एक्टर आई लव टू सी दैट बिकॉज़ आई वांट टू ग्रो What three things you have learned from Vishwak and Vishwak? Patience, talent, and kindness. I think his warmth is what made me be a good actor and also grow and perform better. And any of your upcoming projects after this? Nothing yet, but hopefully if it does happen, I'm sure you'll get to know. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू ये हिंदी डब वर्जन में कितनी एक्साइटमेंट है आपको देखने के लिए वेल मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी हमेशा से बहुत ज़्यादा हिट रही है और पहले भी जितनी भी मूवीज डब होती हिंदी में आती है तो हमने टेलीविजन में बहुत ज़्यादा देखा है इस चीज़ को बट आई थिंक सो जब से एक चेंज आया है एक दौर आया है KGF पुष्पा तो ये बहुत सारी मूवीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है सिनेमा में तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड दैट साउथ इज़ कमिंग टू बॉलीवुड ऑल्सो एंड जो हमारे मेन एक्टर हैं मतलब वो प्रोड्यूसर हैं एक्टर हैं उन्होंने
डायरेक्ट भी की है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट. एंड जो हीरोइन है उन्होंने भी बहुत कमाल किया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द मूवी. देखते हैं कैसा है. ऑल्सो एज अ एक्टर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब साउथ की फिल्में यहाँ अच्छी करती है, यहाँ की रीजनल फिल्में अच्छा करती है. भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ है, साउथ का कंसेप्ट इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट. अगर कंपेयर किया जाए तो उनका कंसेप्ट हमेशा ही बहुत अलग रहता है. तो उस चीज़ को, क्योंकि अभी हमको ये भी पता है कि चुपला ने ऑस्कर भी जीता है, ग्लोबल गोल्डन ग्लोब जीता है, तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ऑब्वियसली एज अ सिनेमा पूरे इंडिया को इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक सो वी आर डूइंग ग्रेट एज एज अ इंडियन सिनेमा. तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. ऑल्सो मिल्खा सिंह के साथ आपका जो गाना आया था उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रिस्पॉन्स आया, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले. वेल उनके साथ जो मैंने गाना किया है हाय रामा, आई थिंक सो द रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट. एंड ऑब्वियसली वो मिल्खा सिंह है तो उन्होंने आग लगाई है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मिली है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि वो वीडियो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में शूट करी, तो 1 घंटे में हमने धमाल कर दिया है. अपकमिंग प्रोजेक्ट है लेकिन वही जब फाइनलाइज होगा आप सबको पता चल रहा है. थैंक यू सो मच. फिल्म देखने के लिए गाना भी है आपका, कितने एक्साइटमेंट है फिल्म देखने. हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू. मैंने तेलुगु में पिक्चर देख ली है ऑलरेडी और मैं अपना गाना देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ हिंदी में, बिकॉज ये थोड़ा स्टेप्स भी डिफरेंट है, सॉन्ग ऑब्वियसली लिरिक्स डिफरेंट होंगे, बिकॉज पिछला वाला तेलुगू में देखा था ओ डॉलर तेलगा, एंड ये वाला हिंदी में है, सॉन्ग बाय सुनील चौहान, इट्स गोना बी सेक्सी फॉर श्योर. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच माई सेल्फ डांस ऑन द स्क्रीन. एंड यप, वंस इट्स आउट आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू वॉच, आई होप एवरीवन लाइक्स इट अ लॉट. And irrespective of liking the video, they must dance to this song a lot. It's a really nice song. And how was your experience with this song? Oh my God, it was so difficult because मेरे पास दो दिन ये गाना, इस गाने की पूरी कोरियोग्राफी लर्न करने के लिए थे और मुझे हिंदी में भी शूट करना था, तेलुगू में भी शूट करना था, तो everything had to be done twice. And हमारे पास शूट के लिए 3 days थे. And yup, met the entire team for the first time there. Learned of course the choreography in 2 days, 3 days of dancing non-stop, 12 hours every day, like kul mila ke 5 din. And yeah, I had these heels on, so some of the steps that I was able to do with my shoes very easily became way more difficult to do with my heels. But I'm used to wearing heels, so that's okay. But yeah, dancing was a different challenge altogether, and I realized that dancing isn't easy. I watched Katrina Kaif in so many amazing songs, and she's so brilliant. And we always loved it, right? But I think like after doing this, for the first time I understood the credit that anyone who's dancing on these songs need to get, because your expressions have to be on point. You learn the lyrics, jaise maine Telugu song ke lyrics learn kiye. And your steps, your body is moving, your mind is working, so everything has to be present right there. So it's not easy. You have to get everything on beat. And there is an entire team who's just doing the same thing. So you cannot do something different and then fark pata chalega. So yeah, I think a lot of practice and hard work has gone into it. And I hope people like it. So after this, what are your upcoming projects you'd like to share? There is a web series I'm eagerly waiting for to release. I finished dubbing for it recently. Let's see, I pray that it releases soon. And on a good platform that everybody can watch and gets good visibility. It's a very cool character. And there's another film coming. That's it. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Dub version mein release ho rahi hai. तेलुगु में अच्छा किया है फिल्म ने और हिंदी में रिलीज़ हो रही है, क्या कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए. आजकल तो सच बोलूँ कि साउथ की फिल्म जैसे ही आती है हम लोग सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग कुछ अच्छा लेकर आते हैं. भले वो एक मसाला फिल्म बनाते हैं बहुत बार, पर उनकी जो कहानी बोलने की एक प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है. तो मुझे इस फिल्म से भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज इसका जो टाइटल है बहुत कैची है. सो इसलिए मैं any of your upcoming project you'd like to share with us? I'm basically doing a TV serial for others right now, so
ही चल रही है शूटिंग। कैसा रिस्पांस मिल रहा है किरदार को लेके, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं किरदार? अभी तो ऑनर आना बाकी है, शो है उसका, ऑनर आना बाकी है, सुहागन करके शो ऑनर आना बाकी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पहले दिन पे इतना बड़ा बिजनेस किया और अब हिंदी में धमाका मचाने के लिए? हाँ एग्जैक्टली यार, मतलब हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा और न्यूज़ में भी देखा, काफ़ी अच्छा वहाँ पर बिजनेस हुआ है साउथ साइड में। आई जस्ट होप कि ये इंडियन मतलब जो हिंदी है उसमें भी काफ़ी अच्छा करे। और मुंबई में मैं देख रहा हूँ काफ़ी मतलब क्रेज़ कैसा है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। आई जस्ट विश ऑल द वेरी बेस्ट होल टीम, लेट्स सी कैसे करते हैं। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या कुछ? आई एम बेसिकली यू नो फ्रॉम डेली शो सीरियल्स, अभी मेरी एक जगह बात चल रही है, नथिंग इज़ फाइनलाइज्ड। अभी मेरी रिसेंटली एक वेब रिलीज हुई है, काफ़ी टाइम हो गया रिसेंटली नहीं, सॉरी सो नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट, होपफुली कुछ जल्दी अच्छा दिखेंगे। राइट, ऑल्सो जिस तरह से साउथ सिनेमा यहाँ पर बिजनेस कर रहा है उसको लेके एज एन एक्टर क्या कहना चाहेंगे, एक्सप्लोर करने के और भी क्वालिटीज़ और जो भरोसा है वो मिलता है आपको एज एन एक्टर? यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, यू नो एवरी डे जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनको सिखाते भी हैं। तो इट्स गुड कि साउथ की फिल्म्स हिंदी में रिलीज़ हो रही हैं और हिंदी की फिल्म साउथ में रिलीज़ हो रही हैं, क्योंकि ओवरऑल हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। साउथ फिल्म यहाँ पर रिलीज हो रही है हिंदी डब वर्जन में, कितना एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक एक्टर जो डबल रोल कर रहा है, सबसे पहले डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वो देखना चाहता हूँ। मतलब शो बहुत मेहनत की है और एक चीज़ है एक्टिंग में, जब सेट पे जाते हो जब कैमरे के सामने जब पूरा ध्यान एक्टिंग पे रखते हैं, बस कैसे ध्यान डायरेक्टिंग पे रखते हैं, प्रोजेक्शन पे रखते हैं, तो इट्स क्वाइट टफ जॉब। ऑल्सो साउथ की फिल्में यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है, सारी फिल्में जो है अप्रिशिएट हो रही है रीजनल से, एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब जो है हर तरह की फिल्में करनी चाहिए? एज एन एक्टर यू वांट टू डू मोर, अलग अलग सिनेमा में काम करना चाहिए और साउथ की जो है जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं, और एज एन एक्टर मुझे भी काम करना है ओरिजिनल स्टोरीज में, तो ऑफकोर्स। Any of your upcoming project you'd like to share with us? Doing a sport drama, so hopefully this year. Thank you so much and all the best. दस का धमकी, कितने excitement है फिल्म देखने के लिए? I'm very excited to go inside and watch the film because I have actually been Telugu and I'm a Telugu girl, so that coming in Hindi it's like a big thing for me. As well as a person representing Hyderabad and Vizag and the whole of Andhra Pradesh and Telangana. So I'm looking forward to it and I hope that it becomes a big hit in Hindi as well. So as an actor, confidence बढ़ता है कि वहाँ की फिल्में यहाँ पे accept की जा रही है? हाँ जी, definitely जो जिस तरह से scripts को accept किया जा रहा है, जिस तरह से लोग South Indian films को देखने का जो excitement है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो देख के confidence तो definitely आता है कि हम लोग के scripts बहुत अच्छे कर रहे हैं। Thank you so much and all the best. Ka Dhamki, the South film is releasing in Hindi version. How much are you excited to see? I'm super excited because already have seen the Tamil one, so I'm second time I'm seeing this because I'm super excited to see this. Everything is very good acting, very good script. It is awesome and the director and the actor Vishwaji is rocking. So I'm super excited and I want to give them a big congratulation for the hit. And I hope they rock in Hindi language also. Any of your upcoming projects you would like to share? Yes, one of my Tamil movies, Satan, is releasing soon. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Okay, film yahan pe release ho rahi hai Hindi dub version. Kitni excited hai film dekhne ke liye? I'm super excited. Main abhi thoda sa late hu, but I'm super duper excited because as we all know, now South cinema has become a huge, you know. And हम लोग एक्चुअली यहाँ पे वेट करते हैं, जो भी फिल्में आती हैं हम देखते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट मनु सर कॉल्ड मी एंड आई एम हियर टुडे एंड आई एम गोना गो एंड वॉच। सो या, एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू वुड लाइक टू शेयर? या सो आई हैव डन वन मलयालम फिल्म,
which is about to come, I think within 2-3 months, and one more Telugu project, which is it's in talk right now. Yeah. Thank you so much. Thank you so much.